सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। आपका सेकंड मीटिंग के पेपर में हिंदी का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं। इससे पहले हमने सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ की वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है, आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। मेरी बुकलेट सीरीज के अनुसार ये 107 से यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हो सकता है कि आपकी बुकलेट में शुरू में हो या मध्य में हो, तो आप उन्हीं क्वेश्चनों के अनुसार जो है अपने उत्तर मैच कीजिएगा। घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए जो एक शब्द है वो होता है परिवारजक, बी आंसर इसके लिए सही होगा। भिन्न अर्थक शब्दों नियत नियत के लिए सही अर्थभेद क्या है, तो सही आंसर होगा डी, निश्चित और इरादा। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, उसको सही जो है उसमें कौन सा है, तो इसमें जो सही आंसर होगा सी होगा, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे की हवाइयाँ दौड़ने लगी। निम्न में किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो सभी शब्द जो स्त्रीलिंग होंगे वो होंगे डी ऑप्शन, समाधि दीमक। गुरु का बहुवचन होता है गुरुवो, डी आंसर इसके लिए सही होगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, तो सही जो गलत युग्म होगा वो होगा बी, वाचक जाचक। सेठ का तत्सम शब्द क्या है, तो श्रेष्ठी इसके लिए सही आंसर होगा। सरस्वती, देखिएगा यहाँ से जो 115वां क्वेश्चन है, कौन सा अविभाव समाज के लिए उदाहरण है, सही आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा डाक गाड़ी। तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से सर्वनाम होते हैं, ये होते हैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। लघु उत्सव का संधि विच्छेद होगा आपका बी आंसर, लघु और उत्सव। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को, दो शब्दों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इसमें 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण ये होगा ए आंसर। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी वाक्य में आकर किस प्रकार की क्रिया है, तो सही जो आंसर होगा वो देखिएगा यहाँ पर होगा पूर्वकालिक क्रिया। किस प्रकार के वाक्य में अपादान कारक है, तो इसमें जो सी आंसर है मेज से पुस्तक गिरी सही आंसर होगा। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सी आंसर आपके लिए सही होगा इम। संग्राम शब्द मूल शब्द और उपशब्द कौन सा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पहला ही ऑप्शन है सम और ग्राम। मुख का विलोम होता है आपका वाचाल, सी आंसर इसके लिए सही होगा वाचाल। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ क्या है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ए आंसर आपके लिए सही होगा। अर्थ सम मात्रिक छंद्र जो होता है उसको जो है यहाँ पर बोला जाता है, उसको बोला जाता है 127वें क्वेश्चन का डी आंसर, दोहा। सम कृपा भाव निशा सिरणी कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंक शब्द का निम्न में से किस विकल्प में है, तो अंक को बोलते हैं संख्या। पिताजी तीर्थयात्रा पर जाएंगे किस प्रकार के वाक्य का काल है, तो बी आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल। मुझसे पत्र लिखा गया आंसर में आपका होगा भाववाच्य, बी आंसर आपके लिए सही होगा भाववाच्य। घाव पर नमक छिड़कना अर्थात सी आंसर होगा दुखी को और दुखी करना। अगले जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित हैं और यहाँ पर हमने गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चनों से आंसर निकलता है। उपयुक्त शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक जो है आपका वो होगा देखिएगा डी, प्रसन्नता एक वरदान। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चित्र है, तो ये है ए आंसर, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, सी आंसर इसमें सही होगा, वह जीवन के शोक और दुखों को दूर करता है।
सुयोग्य वैध रोगों के लिए क्या करता है, तो वो जो है रोगी का खराब, ये यहाँ पर जो है उसे ए आंसर होगा, आशा और उल्लास समय वचनों के द्वारा कानों को आनंदित करता है। 137वां क्वेश्चन है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सही आंसर होगा सी इत। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, डी आंसर आपका सही होगा, धीरे धीरे। किसन शब्द का पर्यायवाची होता है मुरारी, डी आंसर। पानी और पानी का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो पानी, जल और हाथ, डी आंसर आपका सही होगा। जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके साथ साथ हमारे द्वारा यदि किसी क्वेश्चन में त्रुटि आपको लगती है तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, उस वाक्य के लिए सही शब्द आपको चुनना है, तो सही जो शब्द है वो है सी संकालु। इसयालु जो होता है वो दूसरों के लिए निंदा करता है, दयालु जो होता है दूसरों से के लिए जो है दया दिखाता है उसको दयालु बोलते हैं, झगड़ालु उसको बोलते हैं जो दूसरों से झगड़ा करता है, तो इसमें संकालु आपका सही आंसर होगा। कामसूत्र देखिएगा, इसमें कामसूत्र जो है एक रचना है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है जो काम से भाव से संबंधित हैं, और वात्स्यायन ऋषि के द्वारा ये आपका ग्रंथ लिखा गया है, तो सभी जो युवा वर्ग हैं इसको ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता रखते हैं। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है, संत कबीर की जो कृतियाँ हैं देखिएगा, इसमें मृगावती नहीं है, यामा आपकी माँ देवी वर्मा की है ये भी नहीं है, सूर सुरावली सूर सागर की है, बचती है आपकी बीजक, बीजक जो रचना है वो संत कबीर की है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे आपके विद्यापति। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया है, इससे पहले के वीडियो के माध्यम से हमने अन्य पाठ जो थे इस पेपर के थे उनका सॉल्यूशन दे दिया है। तो सभी लोग जो हैं कमेंट्स में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं कितने सही हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। यहाँ पर जो आपका पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अन्य पेपरों के मुकाबले जो कहा जा सकता है जिस तरीके से 17 तारीख के हुए हैं और 18 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का हुआ है उसके मुकाबले थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे सभी पेपर जो हैं सामान्य स्तर के आए हैं, नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में ज़रूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।